नितिन गोयल जी महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु ने सृष्टि की रचना कर दी, परंतु दुख की रचना क्यों की? प्रभु ने सृष्टि की रचना नहीं की, प्रभु सृष्टि बने हैं। भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की, वेद कहता एको हम बहुत श्यामा, और वही फैल गया जड़ चैतन्य के रूप में। बस तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है कि तुम भूल गए हो। भगवान ने दुख की रचना नहीं की है, भगवान ने तो सुख की रचना की है। तुम भगवान के अंश हो, तो देखो लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप सुख राशि है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और शरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये कामनाएं ही कामनाएं। तो शरीर में मैं को स्थापित करने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोषारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो कौन तुम? हम आपसे पूछें आपका परिचय, आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? प्रभु के अंश। उसको क्या भाव है? सच्चिदानंद है वो तो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अग्नि की ताकत नहीं उसे जला दे, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे, वायु की ताकत नहीं को उड़ा दे, जल की ताकत नहीं, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? वाणी से तो बोल दिए भगवान, लेकिन आप हो देह में, तभी आपको चिंता और शोक और कामनाएं और भोग वासनाएं जला रहे हैं। अंदर से आप देख लीजिए, अभी तक जलाती रही हैं, अब भी हैं। इन दुश्मनों को बिना रौंदे सेना मेहनत करती है, तिलक राजा का होता है। इंद्रियां मन बुद्धि आदि ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको सत्य में स्थापित कर दो, आप राजा हो। अभी आप स्वराज्य पर स्थित होते ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता। सृष्टि में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू सके। अब देखो दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ये मिल जाता तो ठीक है, ये भोग लेता तो ठीक है, इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हाँ, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र, अब दुख भोगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो इसलिए। इसीलिए जब जिस महात्मा को बोध होता है तो वही देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। अब बताओ कौन दुख दे रहा है, किसको दुख दे रहा है? आप दुख को पकड़ करके भोग रहे हैं। दुख नहीं, दुख आपको छू नहीं सकता। आप छोड़ दो दुख, शरीराभिमान छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, अभी नाच पड़ोगे तो ना दुख दिया जा रहा है प्रकट में। मेरा चरित्र पढ़ के देखो, और नाच नाच के कह रहे पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, निस्दिन बढ़त सवायो। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये व्यसन, ये गंदी बातें जो आचरणों में आ रही, जिनको तुम सुख के लाभ से कर रहे हो, कभी सुख देने वाली नहीं। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सुख के लोभ से पापाचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव आपका नाश कर देगा। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, तुम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात अगर हम मन में बैठा लेंगे, भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्यों की, तो हमारी आस्तिकता मिट जाएगी। आस्तिकता मिट गई तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। इसमें कोई संशय आपको? जी महाराज जी, किसी अपने को खूब प्रेम करें, उसके प्रति समर्पित रहें, और फिर भी वो व्यक्ति हमारे प्रेम समर्पण को ना समझे तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर लिया, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है, तो बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है। यहां सब छलिया है। आज ही सत्संग में चर्चा हुई है, जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। दूसरी बात, जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे,
भारी विपत्ति में फंस जाओगे, उस दिन कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। भाई हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार ना करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान, वो गोविंद। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि प्यार करेगा हम मान लेंगे कि आप हमें प्यार कर रहे हैं, फिर आपकी प्रतिकूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे। या कोई बिरला, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा होता है जो प्यार शब्द का परिचय जानता है। प्यार का मतलब क्या होता है? अपने प्राणों की बाजी लगा के अपने प्यारे को सुखी करना। यहां ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, यहां ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भगवान है। हमें तो लगता है प्यार करो, निषेध नहीं, पर अंदर गोविंद को देखकर, प्रभु को देखकर। पत्नी की आवश्यकता थी, मेरे भगवान पत्नी बन के आ गए, पुत्र रूप में आ गए। अब वो हमें प्यार करे ना करे, हम अपनी तरह अपना एकाकी प्यार होना चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें दुत्कार दो, हम सह जाएंगे, पर हम आपके सिवा, ये भगवान से, भगवान से, हाँ एक सब में एक परमात्मा को, फिर जीत जाओगे। तो देखो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हम गलती कर रहे हो हमें डांटे, तो मानो जगत में प्यार करना मानो गलती कर ला है। और अगर वो हमारे सामने हमारे प्रतिकूल, तो प्रभु से कृपा मानना ले चाहिए कि अगर ये प्यार करे तो मैं फंस जाता, ये भी जीवन बर्बाद हो जाए। आपने बड़ी कृपा की कि हर जगह ठोकर लगा के अपना मार्ग दे दिया। हाँ हमें तो यही सत्य लगता है, अब आपको या जिससे जैसा लगे, हमें तो प्रभु यही दिखाई दे रहे हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, और किसी से आशा मत रखो कि ये तुम्हें सुख देगा। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ उसके लायक जिससे वो तुम्हें प्यार कर रहा है। एक केवल अहेतुकी प्यार करने वाला भगवान है, दूसरा नहीं है। वासुदेव प्रपन्नाचार्य श्री रामानुज दास जी नेपाल से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हमारे मन को प्रमादीपन से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं हम, पर प्रतिपल ना चाहते हुए भी प्रमादी में ही लग जाता है मन। इस प्रमादी को हटकर भगवान नहीं, ये तो हम नहीं कहते कि नहीं चाहते हुए, अभी आप सही से समझे नहीं। हमारी चाह नहीं है शराब पीने की, भला पिला दे कोई, गर्दन काट दे हमारी तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन शराब पी लेंगे। हमारी चाह नहीं मांस खाने की, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी दोष दृष्टि है कि हमारे धर्म विरुद्ध ये वस्तु है। तो हम भला कामजनित चेष्टा को इस तरह देखते हैं? नहीं देखते। तभी हमें कोई फिसला सकता है, ये कैसे फिसला सकता है? आप जैसे हम कहते हैं हमारी चाहत नहीं है, हमारी चाहत नहीं मांस खाने की, भला कोई को जीवन में नहीं हुआ? आप बताओ ना, आप वैष्णव मूर्ति लग धारण किए, आपको कोई खवा सकता है? तलवार लेके खड़ा हो जाए तो हम अपने धर्म के लिए गर्दन कटवा देंगे, लेकिन अभक्ष्य पदार्थ, अपेय पदार्थ, तो फिर हम काम चेष्टा को क्यों उस तरह नहीं देखते? हमको उस लाइन में क्यों नहीं रखा उसको? नहीं, उसके लिए हमारे अंदर गुंजाइश है, तो फिसल जाओगे। अगर उस कोट से हो जैसे हमारे लिए वो निंदनीय है, तो है तो वही ना। पर स्त्री गमन अगर गृहस्थ नहीं है, वैरागी है, तो उसके लिए तो हर भाव तो दोषी ही है। किसी भी तरफ दृष्टि डाले गंदी तो दोषी पाया जाएगा ना। तो हम काम को क्यों उस रूप में नहीं देखा? हमने क्रोध को क्यों उस रूप में नहीं देखा? हम मोह को क्यों नहीं देखा उस रूप में? हम गुंजाइश रखते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी चाहत नहीं, पर हो जाता है। पर होता किससे? उसी चाहत से होता है। मतलब चाहत है, हम जान नहीं पा रहे, दुश्मन हमारे घर में बैठा है, हम उसे मित्र मान रहे हैं, इसलिए ऐसी दशा है। और जिस दिन चाहत हो, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि हो, फिर हमें कोई फिसला के दिखाए। अंदर से भोग ऐसा है, दुर्वासना है, तो हम उसको उस कोटि में रखें जिस कोटि को हम जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। वही कोटि क्यों नहीं रखते हैं उसमें? कि हम वैरागी हैं, मोक बिल्कुल, हम वैरागी हैं, क्षमा हमारा बल है, हम वैरागी हैं, निष्काम हमारा धर्म है, कहां हो सकते हैं? पर हम लोग बातें कर लेते हैं, गुंजाइश रखते हैं। अंदर देखना, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। हमारे यहां रसिक महापुरुषों ने कहा है, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कल्प की अवधियानी, चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। हम हैं भगवत मार्ग के पथिक, पर एक आशा की फांसी है, कभी मिला तो फिसलने की जगह रखे हो। देख लो ये आशा की फांसी है, ये बड़ी गुप्त है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, ठीक से चल रहे हैं, सिद्धांत से चल रहे हैं, पूरा ज्ञान है सिद्धांत का,
पर अंदर आशा की फांसी है, अगर कहीं ऐसा तो स्वीकृति अंदर है, वही स्वीकृति तुम्हें भ्रष्ट करेगी आज नहीं तो कल। और अगर उस स्वीकृति को काट दिया कि अभी इसी क्षण विश्व के सारे भोग आ जाएं, तो मैं प्रभु के सिवा आंख उठा के नहीं देखूंगा, अपने प्राण त्यागना में सहज समझूंगा, लेकिन भोग को स्वीकार कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। मैरियन महाराज जी प्रणाम। महर्षि मैं जर्मनी से आई हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है, मैं कैसे कम समय में अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती हूँ, और यदि कोई जाने जाने में अपराध हो गया उस अपराध बोध से कैसे निपटे? हाँ भाई, हमारी दवा तो हमारे मेडिकल स्टोर में राधा राधा है, समझ रहे हो। हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, पर हमारे पास हमारी जो निष्ठा जो हमारे गुरुवाणी से प्राप्त हुआ हमारे गुरुदेव की वाणी से, वह है राधा राधा राधा। और ये हम विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जितनी श्वासें बची हैं, आपको जो भगवान का नाम प्रिय हो, भगवान के बहुत से नाम है, ओंकार भी नाम है, राम है, कृष्ण है, हरि है, शिव है, बहुत से नाम है, जो नाम प्रिय हो आपको, आप उस नाम को हर श्वास में जपने का प्रयास करो, भगवान पक्का मिल जाएंगे। नाम ही एक ऐसा है जो तार सकता है, दूसरा कोई अभी साधन परिपक्व नहीं, तो इतने से ही काम हो जाएगा। और ये पीछे की चिंता न करे, जो गलतियां हो गई हैं, तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। यदि तुम सच्चाई से हमारी शरण में सबका सहारा छोड़कर कि ये प्रभु अब मैं जान गया कि आपके सिवा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, और भगवान की शरण हो जाओ और नाम जप करो, तो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सारे पापों को नाश कर देता है। अच्छा, हम अभी बोले राधा और शरीर छूट गया तो मुझे राधा की प्राप्ति, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, परम रस की प्राप्ति होगी, अंतिम समय जो स्थिति होती उसी से माना जाता है। अजामिल बहुत पापाचरण करता था और उसके एक बेटे का नाम नारायण, आखिरी छोटे बेटे का नाम, वो उससे बहुत प्यार करता था, तो मरने का जब समय आया यमदूत दिखाई दिए तो जोर से चिल्लाया, अपने बच्चे को पुकारा नारायण, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, क्योंकि नारायण के पार्षद अंतिम समय नाम निकला ना, वो परम पद में आरूढ़ हुआ। अब हमें पता नहीं कि हमारी कौन श्वास अंतिम है, तो हमको तो बहुत सावधान रहना है, तो हर श्वास में नाम लेना है, जो नाम प्रिय हो हर श्वास, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, अगर हम वो हर श्वास में नाम लेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं।